अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साथ फैमिली व्लॉग। सब कैसे हैं? ठीक ठाक। ये देखिए जो मम्मा क्या कर रही है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी सो मान में रखे, खैर का दिन हो, खैर वाफियत की रात हो। तो शुमामा ये डॉल सेल कर रही है, जिसने लेनी है ले जाए आके, ठीक है। साथ चलो बेटा, अकेडमी का टाइम होने वाला, मैं तुम्हें फ्रेश कराऊं। क्या देख रही हो शुमामा? जब भूत बनने की वो देखे, माशा देख रहे हैं ये माशा। तो मैंने कहा मैं ना व्लॉग शुरू करूं, अंधेरे में भी अच्छा लग रहा है ना। ये देखो ये माशा का न्यू सॉन्ग आया, बहुत प्यारा था। नहीं नहीं वैसे कह रही हूँ, आपको कह रही थी। तो मैंने कहा मैं ना सारी सफाइयाँ तो कर ली हैं, जाके कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने बनानी है बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो उस दिन तो मैंने बनाया था घी पुलाव, आज बनानी है चिकन बिरयानी। और फिर आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो मैंने बहुत मरतबा की हुई है शेयर, लेकिन मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं शेयर करूँगी। रात कपड़े धोए थे, कुछ गीले थे वो मैंने उधर ही खिलार दिए, जो खुश्क थे वो मैंने सारे ये देखें क्लीन कर दिया उठा कर। ये देखें सारे उठा दिए। सात कारी साहब पढ़ा के गए हैं, चेयर उठाओ आकर सारी। और फहद अभी तक अपने कामों में मसरूफ़ है। फहद कितना रह गया? फहद बाहर इंक ले आए थे, दिखाओ कौन सी वाली लेके आए। मैं समझी साशे लेके आओगे। ये 50 की है, यानी आज भी ये सस्ती है, हमारे दौर में भी सस्ती थी। 60 की है। अब शमामा से इसे बचाना, नहीं तो वो आके रोज़ इतना आप यूज़ भी नहीं करते और वो ज़ाया कर देती है। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ किचन में, किचन में कुछ करती हूँ, देखती हूँ स्टार्ट करूँ कि नहीं, या बच्चों को छोड़ के आके करूँ, क्योंकि अभी इनको नहीं लाना नहीं लूना भी है। तो गाइस मैंने प्याज ब्राउन करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे भी यानी ब्राउन कर रही हूँ। उसके बाद ये पड़ा है मेरा चिकन, ये पड़ा है क्या कहते हैं इसको, टमाटर और हरी मिर्चें, और ये बाकी की रेसिपी। ये है बिरयानी मसाला, आलू बुखारा, टिक्का मसाला, ये कुटा हुआ मसाला जो मेरा अपना है, नमक और सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च, धनिया और हल्दी। बच्चों को छोड़ने जाने का टाइम होने वाला। चला दो उनका भी, चलाओ चला दो उनका भी। और ये राइस पड़े हैं। मैं मेरा नया चार्जर है, मैं सुखी जा रही हूँ सुखी जा रही हूँ। एक तो इनकी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती। ये देखिए ये है चावल, 2 किलो चावल है। अभी यहीं रखते हैं क्योंकि आके करना है इसका काम। तो इसके अंदर हम चिकन डालते हैं, ठीक है। अच्छी तरह हो गया ये, अब इसमें डालते हैं टमाटर, हरी मिर्च। और ये बाकी की रेसिपी। असं देसी लोग हाँ, देसी खाने खाने हैं, देसी साढ़े काम नहीं है। वेखो वेट से कुछ लगा रहा है, ये तो पानी नाल हंगार दो। गाया नहीं होना चाहिए बस। क्या कह रहे हो फाहर? देश की घूम रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, तो थले डिगन वाली। गाइस मेरे तो हाथ ही थक गए। बच्चे क्या कर रहे हैं? कैटों के साथ खेल रहे। चले शुक्र है ये काम तो हो गया मेरा। अब मैं चलती हूँ फ्रिज में ये बाकी का मीट रखने। मेरी कोक थोड़ी वो पी लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी। शुक्र है फ्रिज में से गोश्त ख़त्म हुआ।
फाहत कितना रह गया बेटा, मैं देखो 4 बज गए यानी 3:30 हो गए होंगे, तो जल्दी करो फिर। हमारा 4:30 बजे तक का टारगेट होता है भागने का, उसके बाद मैं आके करूँगी, मैं थक जाती हूँ। मैं कहती हूँ ये भी जल्दी जल्दी कर जाऊँ ये भी। हाँ जी, एक मिनट बेटा, ये देखें भाई, इसको हम टंकने लगे, ये बस इसी में होगा, पानी नहीं डालना इसमें ज़्यादा। वो देखो बच्चे खड़े हैं, जल्दी रखो बैग। मामा आप रेडी हो गई हो, आपने होमवर्क किया हुआ क्या? नहीं वहाँ तो गाइस पहले निकल गया, अब इन दोनों को मैं छोड़ने जा रही हूँ। ये देखें मेरा पर्स, इसमें रखते हैं मोबाइल और पैसे तो वैसे इसके अंदर हैं इनकी चीज़ के, और निकलते हैं फिर आके कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चलो भाई ठीक है, सड़क पर तुम बनाना। गाइज मैं ना सड़क पे बना नहीं सकती क्योंकि लोग, मैं कल्ली चल रही होती ना, लोग मुझे ही देख रहे होते हैं, तो इस वजह से मैं फिर कैमरा पकड़ूंगी तो वो कहेंगे पागल हो गई बुढ़ी की कर दी ये यार, जो नीचे हटो। अभी नहीं, अभी मैंने अपाया नहीं पहना, इधर आ जाओ, देखो सब कुछ बंद हो गया अंदर। अभी मैंने अपाया पहना, अपाया पहनते हैं और फिर हम निकलते हैं। इधर आओ बाबू साथ, इधर आओ साल बेटा। ओहो मसाला लग गया सारा, मैं बच्चों को छोड़ कर आ गई थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से खाने की तरफ ध्यान दे। तो ये देखें सारी, मैंने चूल्हा नहीं मैं कम करती, इतना तेज़ मैंने चलाया होता है, और ना अब इसके अंदर हम मैं क्या पानी डाल देते और चावल डाल के बस इसको चढ़ाते हैं, फिर मज़े सुकून के साथ नमाज असर पढ़ते हैं। बच्चों को भी छोड़ आई हूँ, खाना भी चढ़ा गई थी, ज़रा सुकून है। 6 गिलास पानी डालती हूँ मैं 2 किलो चावलों में, ज़्यादा डल गया आज मुझे लग रहा है, मैं डाली चावल डालती जाती हूँ और मैं कहती हूँ हो लगता है मुझसे ज़्यादा डल गया। और आते ही मैंने अपनी ये देखी चाय बना लिया, चाय इधर है मैं उधर भी खा रही हूँ, बीच में काल आ रही थी तो मैंने इसमें यह डाल दिया। सनी को तै वाली बिरयानी नहीं पसंद, वो कहते हैं ये कि चावल है ना कच्चा कच्चा होता है, मसाला होता है, सारी तरी होती है घ्यो वाले चावल, ये सही मसाले वाले चावल होते हैं, ये बनाया करो। ये भी मेरे से ही सनी ने खा, तो आ जाएंगे चाय पी है मेरे साथ में, देखें मज़ेदार सी चाय। इधर मैंने चावल भी वॉश कर दिए सारे, ये धो दिए, और अब ये देखें मैं ना बच्चों के साथ साथ मैं भी बच्चों को छोड़ने जाती हूँ ना, तो मैं सनी से कहती हूँ भाई मेरे भी पैसे दो चीज़ के, तो मैं ये अपने लिए केक लेके आई हूँ, मुझे बनीस के केक बहुत पसंद है, ये वाले तो नहीं पसंद, जो बनीस का कश्ती वाला केक होता है ना वो बहुत है, ये मैं आज फर्स्ट टाइम देखूँगी, उसे लाई थी मामा लेकिन मैंने टेस्ट नहीं किया था, मैंने साथ को दे दिया था, कप केक बने मैं इनके, तो मैं 50 रुपये मैं भी लेती हूँ, यानी 50 रुपीज़ मेरे होते हैं, 50-50 उनके, वो तो नाम है उनका 50-50, बच्चे ज़्यादा पैसे लेते हैं, मैं तो फिर 50 में टल जाती हूँ आने जाने का। मैं कहती हूँ सनी फिर मेरा दिल करता मैं भी चीज़ लूँ, तो मुझे भी 2 चीज़ के पैसे। तो ये अब मैं चटनी बना लूँ, ये देखें मैं सारा चटनी का सामान रेडी कर गई थी, अभी मैंने इसमें लहसुन ज़ीरा और नमक ऐड करना है, तो चावलों की फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी मैं, तो देखी भी तो है आपने, फिर भी मैं दिखा दूँगी। बहरहाल पानी पिए पहले, पानी बहुत प्यास लगी है, देखें मैं पूरे घर में अंधेरा रखती हूँ, फ्रिज तक वो देखें बंद करी हुई है मैंने, करी भी नहीं है पी हुई है। गाइस पानी पी लें, मैं तो बोतल में पीती हूँ पानी, मुझसे नहीं वो उसमें पिया जाता पानी, गिलासों में पानी बैठ के पीते हैं, तो मैं पी लूँ पहले। हम गाइस मैं ना बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, ये देखें ये कि हाफ लीटर होती है, मैं हर 5-10 मिनट बाद हाफ लीटर पानी पीती हूँ, उससे ज़्यादा भी पी लेती हूँ, एक लीटर तो मैं मेरा ख्याल 1/2 घंटे के अंदर 1.5-2 लीटर पी लेती हूँ मैं पानी, बस पानी के ऊपर ही मैं चलती हूँ, पानी पी पी के मेरा हशर हो जाता है, गर्मी इतनी ज़्यादा, सर्दियों में भी मैं पीती हूँ, अंधेरा अंधेरा लग रहा ना, तो लगे ही जाए फिर, बिजली नहीं बचानी हमने,
अभी 12,500 रुपया हमने बिल दिया, इतना सारा सारा दिन ये देखें पंखे बंद, वो देखें अंदर का भी बंद, सब कुछ बंद होता है। और मैं किचन में काम करती हूँ, किचन में काम करने के बाद नमाज भी मैं इधर ठंडी जगह पे पढ़ती हूँ, यानी मैं पंखा नहीं चलाती। उसके बावजूद 12,500 आता है। एयर कूलर हम रात को 12:30-1 बजे चलाते हैं, और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले उसे बंद करती हूँ, पंखा चलाती हूँ। और फ्रिज भी मैं दिन में दो एक मरतबा ना 3-3 घंटे बंद रखती हूँ, 3-4 घंटे बंद ही रहता है मेरा, बल्कि ज़्यादा ही रहता है। अब मैंने किया ना 5 बजे बंद, और अब मैंने इसे 9-10 बजे ऑन कर देना, क्योंकि इसमें ख़ास कुछ है तो नहीं। गोश्त भी ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत ही है, तो वो भी कल या परसों किसी सब्ज़ी में डालकर बना लूँगी मैं। चलें बॉयल आ गया, देखें चाय भी पीते हैं फिर नमाज पढ़ते हैं। हाँ चलो, इसमें हम चावल डाल देते हैं और फिर मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। गाइस ये देखें दम अब उतारने लगी हूँ मैं, ये हाथ सड़ गए मेरे। मगरिब का टाइम हो गया और मैंने असर की सुकून से नमाज अदा की है माशाल्लाह से। और ये देखें हमारी बड़ियानी, तो मगरिब का टाइम होने वाला है, ये देखें माशाल्लाह गर्मी के इंतहा है। ये देखें कितना शाम खामोश सी है, खामोशी सी शाम की, कितनी खामोशी होती है मगरिब का टाइम। गर्मियों में तो फिर भी किसी ना किसी की आवाज़ आ जाती है इंसान की, सर्दियों में तो बहुत सन्नाटा होता है। तो देखें मैं कहाँ से काट, मैंने कहा ना मैं एक काम सुकून से नहीं कर सकती, वो देखें अंदर की लाइट ख़राब हो गई है, अब नया बल्ब आएगा। बिस्मिल्लाह कैमरा हिल रहा होगा ना, कच्चे तो नहीं क्या हुआ, बिस्मिल्लाह। एक हाथ से नहीं हो रहा लेकिन मैं मैंने माशाल्लाह से मगरिब का टाइम भी हो गया। मैं अभी कल वाला व्लॉग डाल रही थी, उसका थंबनेल बना रही थी, अभी नमाज के बाद अब मैं पढ़ के नमाज फिर ही फ्रेश होने जाऊंगी और फिर सीधा बच्चों को लेने 8:30 बजे निकल जाऊंगी। तो अजानों के बाद मिलते हैं थोड़ी देर के बाद ना। ये देखें जरा फ्रिज में रखनी थी मैंने, चटनी भी बना दी थी मैंने, रायता बनाऊंगी अभी। चलें थोड़ी देर बाद मिलते हैं, मगरिब का टाइम हो गया। गाइस अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा आपसे ज़्यादा लूँ और ज़्यादा दिन ना फिर सफेद नाम में याद रखिएगा, और कल इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला खैर का दिन हो, खैर वाफियत की रात हो, ज़िंदगी रहेगी तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।